जनता के दिमाग में यह बात आ गई है कि अगर हमें और हमारे समाज को अच्छा बनाना है तो चांदी खां को लाना पड़ेगा। मेरे पंचायत में घुसखोरी चरम पर है। माधोपुर गांव है, कुशवाहा का गांव है। 20 साल से मुखिया हैं वही लोग। उस गांव में आज भी एक ऐसा टोला है जिसको बारिश में जल जमाव की ऐसी स्थिति होती है कि उनको जांग भर पानी हेल कर जाना पड़ता है। मेरी प्लानिंग बच्ची के लिए है कि जो बच्ची 12 साल से ऊपर या 14 साल से ऊपर पढ़ रही है, इस पंचायत के तीनों कोन पर एक सिलाई सेंटर का योजना रखा जाए। ये RTPS काउंटर जो है वह पंचायत की एक मजबूत कड़ी है और इसको मिसयूज करने वाले वर्तमान के मुखिया लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज़ और मैं हूं समीउल्ला चंपारनी। मधुबन प्रखंड के नौरंगिया माधोपुर पंचायत में हम हैं और हमारे साथ मौजूद है इमरान खान उर्फ चांदी खान, जो मुख्य प्रत्याशी हैं। लगातार ये चुनाव में आते रहे हैं, इस बार भी चुनाव में हैं और ये तीसरा टर्म है इनका। हम बात करेंगे कि कहाँ पर दिक्कत और समस्या आ गई, दो बार का चुनाव ये हार गए और इस बार क्या प्लानिंग इनकी है, कितनी मेहनत है, क्या कुछ रुझान है, हम बात करेंगे इनसे। चांदी खान साहब, आपका HTV न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया आपका जो आप मेरे घर तक आए और लोगों की समस्या को दिखाने के लिए आप जागरूक हुए। आपके HTV का मैं शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि लगातार आपका ये तीसरा टर्म है, दो बार चुनाव हार चुके हैं, हार की वजह क्या रही? सबसे पहली बात है कि पहली बार जब मैं 11 में चुनाव में आया उस वक्त हम लोग प्रत्याशी भी ज़्यादा थे, टोला वाइज प्रत्याशी थे, लोकलिटी का सभी पर असर था और लोग मुझे भी नहीं समझ पाए कि मैं समाज में क्या कर सकता हूँ। इसी वजह से समझते समझते चूक हो गई लोगों से और मैं 31 वोट से चुनाव हार गया 2011 का। उसके बाद फिर मैं 2016 में भी चुनाव में आया, लोगों के साथ जुड़ा रहा, उनके दुख सुख में काम भी किया, जिसकी बुनियाद पर मैं 2016 में चुनाव लड़ा और लड़ने के बाद उस वक्त प्रत्याशी की भी कमी थी और हालात ऐसे बने जिसकी बुनियाद पर चुनाव उस बार भी मैं हार गया और लोगों के साथ मैं जुड़ा रहा, उनके कामकाज को भी देखता रहा। फिर लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, आपको चुनाव में रहना है और मैं चुनाव में आज फिर चुनाव लड़ रहा हूँ। तो इस बार क्या लगता है, जनता इस बार मूड बना चुकी है? आप कुल जनता मूड बना चुकी है, जनता के दिमाग में यह बात आ गई है कि अगर हमें और हमारे समाज को अच्छा बनाना है तो चांदी खां को लाना पड़ेगा। दूसरे प्रत्याशी से यहां कुछ नहीं होगा, गरीबों की समस्या भी नहीं जाएगी और यहां हर जात में गरीब हैं और उन गरीबों का काम नहीं होता है, इसलिए उनके लिए खासकर मैं चुनाव में आया हूँ। खान साहब, हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे समस्या पर। बतौर एक आप ग्रामवासी, इस पंचायत में कौन सी समस्या को आप देखते हैं? यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, मेरे पंचायत में घुसखोरी चरम पर है। चाहे वो इंदिरा आवास हो या मनरेगा जैसी योजना हो, उसमें चरम सीमा से ज़्यादा मतलब पैसे लोग ले लेते हैं, जो यहाँ मुखिया हैं या उनके कुछ दलाल हैं, उनसे लोग परेशान हैं। मेरी सोच है कि इन सब चीज़ों को दूर किया जाए और एक गरीब को जो सरकार दे रही है उसको गरीब तक पहुंचाया जाए। अगर वह पहुंचेगा तो गरीबों का काम भी होगा, घर मकान भी बनेगा। दूसरी बात यह है कि मेरे पंचायत में एक माधोपुर गांव है, कुशवाहा का गांव है। 20 साल से मुखिया हैं वही लोग, जो लोग काम काज से मतलब नहीं रखते। उस गांव में आज भी एक ऐसा टोला है जिसको बारिश में जल जमाव की ऐसी स्थिति होती है कि उनको जांग भर पानी हेल कर जाना पड़ता है। बच्चे सब साइकिल कंधा पर उठा के निकलते हैं स्कूल के लिए और घुसते हैं वहाँ स्कूल के लिए। इन सब समस्याओं के लिए मेरी सोच है कि सबसे पहले जल जमाव की जो स्थिति है उसे दूर की जाए। जब से कोरोना काल आया है, शिक्षा का, तालीम का दर काफ़ी नीचे गिर गया है, लोगों में जागरूकता कैसे पैदा करेंगे?
शिक्षा की तरफ बढ़ावा कैसे मिलेगा लोगों को? कि जब से कोरोना काल आया और लॉकडाउन की स्थिति में एजुकेशन का स्तर तो समाप्त ही हो गया है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो गरीबों का हुआ है। इसलिए कि जो लोग सुखी संपन्न हैं उनके पास तो सुविधा थी, पैसों से ट्यूशन करवा के बच्चों को पढ़ा सके, लेकिन गरीबों का ऐसा नहीं हो पाया। स्कूल बंद थी, गरीब का सहारा तो सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल ही समाप्त थी, जिसकी वजह से गरीबों के बच्चों की स्थिति बहुत बदतर है। जो 5 क्लास में हैं वो अभी 2 क्लास के लायक नहीं रह गए। इसके लिए मेरी अपनी सोच है कि मैं चाहूँगा स्कूल का भ्रमण करूँ और उसमें जो पढ़ाई लिखाई का स्तर गिरा हुआ है उस पर ताकीद किया जाए। उसमें जहाँ तक सरकारी सुविधा है उस सुविधा के अनुसार पढ़ाई में मजबूती लाई जाए। बहुत ऐसे स्कूल हैं जहाँ जल जमाव की स्थिति हो जाती है, वहाँ भी बच्चों को जाने में तकलीफ़ होती है। मनरेगा जैसा फंड है, जो प्रत्याशी लोग मुखिया जितने बने उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, वह लोग सिर्फ अपने पॉकेट को ही मजबूत करते चले गए और एजुकेशन के स्तर को समाप्त कर दिए। मैं चाहूँगा कि स्कूल में बच्चों की तालीम अच्छी हो, उसके लिए टीचर की जो व्यवस्था है, टीचर में क्या कमी है या उनको क्या कमी मिल रही है समाज से, उसके मजबूती के लिए भी मैं काम करूँगा। खान साहब, बेरोजगारी तो पूरे बिहार में चरम सीमा पर है, लेकिन ख़ास तौर से जब से लॉकडाउन हुआ है कई सारी बेरोजगारी और बढ़ गई है, तो जो लड़के जो होते हैं तो कहीं ना कहीं बाहर से अपना काम करता है, उस परिवार को भरण पोषण करता है, लेकिन गरीब परिवार कुछ लड़कियां भी हैं, तो उसके लिए क्या सोच है आप इस पंचायत में कि लड़कियां हमारी अपने पैर पे आ जाए, बाहर नहीं जाना पड़े उसको काम करने के लिए, जो अपने परिवार को चला सके, ऐसी लड़कियों के लिए क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, बच्ची के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए मेरे पास प्लानिंग है। मेरी प्लानिंग बच्ची के लिए है कि जो बच्ची 12 साल से ऊपर या 14 साल से ऊपर पढ़ रही चले हो गई उम्र में और उसके साथ एजुकेशन भी जुड़ा हुआ है, लेकिन एक स्पेशल पैकेज टाइप का मैं रखने जा रहा हूँ अपने पंचायत में। मेरे पंचायत का क्षेत्रफल बड़ा है, मैं सोच रहा हूँ कि इस पंचायत के तीनों कोन पर एक सिलाई सेंटर का योजना रखा जाए। यह सरकारी फंडिंग भी है, उसके लिए सरकार भी हमें दे सकती है पैसा, लेकिन अगर सरकार पैसा नहीं भी देगी तो मैं अपने स्तर से तीनों जगह एक सेंटर बनाऊंगा और उस सेंटर में गरीब बच्ची, उसके अलावा जो अच्छे परिवार से भी जो बच्चियां आ रही हैं उनको हुनर चाहिए और हुनर के लिए कोई गरीब अमीर नहीं होता, उन बच्चियों को अच्छा से अच्छा हुनर दिया जाए। एम्ब्रॉयडरी का काम है, सिलाई का काम है, वह सिखाया जाएगा ताकि शादी के बाद अगर वो कहीं जाती है और उस परिवार में कोई आपदा आ जाए तो अपने पैर पर खड़ा होकर अपने बच्चे की परवरिश कर पाए, उसके लिए मैं यहाँ से उसको मजबूत करके भेजूँगा ताकि उसे तकलीफ ना हो। सरकार का ये योजना है RTPS काउंटर लगाने का हर पंचायत में, इसके बावजूद भी लोग ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं, आय बनवाना हो, जाति बनवाना हो, आवासीय बनवाना हो, यहाँ तक कि ज़मीनी कागजात के लिए भी लोग जाते आते हैं, तो इस RTPS काउंटर पर क्या फोकस रहेगा, क्या कुछ काम करेंगे? देखिए, RTPS काउंटर जो है वह पंचायत की एक मजबूत कड़ी है, लेकिन उसे मिसयूज कर रहा है और इसको मिसयूज करने वाले जो वर्तमान के मुखिया लोग हैं उनकी कमी। ब्लॉक में जो भी हमारी जनता ब्लॉक तक चक्कर जो लगा रही है, एक गरीब आदमी अगर आवासीय बनाना है उसको तो ब्लॉक जाना हो रहा है, जबकि वो गरीब है, उसको देहाड़ी करना ज़रूरी है बच्चों को पालने के लिए, लेकिन 300 रुपये का नुकसान करके वो ब्लॉक जाता है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उस दिन उसका काम हो जाएगा। मैं उसके लिए व्यवस्था रखूँगा कि RTPS हर जगह बैठाया जाए ताकि 2-3 जगह 4 जगह जहाँ भी सुविधा बन पाएगी, और मुखिया को दोषी माना जाता है इसमें, इसलिए मुखिया दोषी है कि इसको फोकस नहीं करता, हम उसको फोकस करेंगे, हमारा भी एक दायित्व बनता है। मैं यहाँ सेवा की भावना से आ गया, जब तो हमें जनता का सेवा करना, तो जनता के सेवा के लिए मैं दरवाज़ा पे बैठ के सेवा नहीं कर सकता, इसलिए मैं ज़मींदारी नहीं ना दिखाना है हमें जनता का सेवा करना है, गरीबों का सेवा करना है,
तो उस सेवा के लिए हमको 2-3 सेंटर उसके लिए भी मैं सीमित करूंगा, जहां मेरे बैठने का एक अड्डा होगा, वहां से चाहे वो ज़मीनी कागजात हों, कर्मचारी है कुछ कागज़ लोग लेके जाते हैं उसको घुमा देता है, नहीं आज नहीं होगा, आज फुर्सत नहीं है, लेकिन मैं उस पर फोकस करूंगा, उसके साथ मैं मजबूती से काम करवाने की कोशिश करूंगा कि मेरी जनता दर दर न भटके। ग्राम सेवक को ग्राम कचहरी में बैठना पड़ेगा, ग्राम सेवक को ग्राम कचहरी में बैठना पड़ेगा, और उस कचहरी में जितना भी काम है उसको करवाने की मैं कोशिश करूंगा, इसलिए कि ग्राम कचहरी सरकार जो योजना लाई 1.25 करोड़ रुपया सरकार जो लगा रही है उसको गड्ढे में फेंकने के लिए नहीं, उस कचहरी का यूज करने की ज़रूरत है, लेकिन लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, सरकार बिल्डिंग बनवा दे रही है, मुखिया जी अपने दरवाजे पर अड्डाबाजी कर रहे हैं, 10 लोगों के साथ चाय पी रहे हैं, गरीब जनता आती है और फिर घूर के चली जाती है, ऐसा काम मेरे रीजन में नहीं होगा, जो भी काम होगा वो कागजाती होगा, कागज़ में काम करना पड़ेगा सभी को फोकस करके, फोल्सबाजी से कोई ऑफिसर रुपया यहाँ नहीं ले सकता है, ये मेरी प्राथमिकता होगी। बकरी और भैंस जरूर देखने को मिलता है ग्राम के क्षेत्र में, बकरी और भैंस देखने को जो जहाँ मिल रहा है उसका भी दोषी मुखिया है, प्रधान ऐसे नहीं बनता है, प्रधान की अपनी गरिमा है, जनता के सामने गरिमा तो हम अपनी खुद ख़त्म कर रहे हैं, उस गरिमा को बनाने की मैं कोशिश करूँगा, और मैं 5 साल के अंदर बताऊँगा कि प्रधान और मुखिया क्या होता है और जनता मालिक क्या होती है, इससे पहले वाले प्रत्याशी लोग समझेंगे कि हाँ ओरिजिनलिटी क्या है, हकीकत क्या है, हकीकत दिखाने की मैं कोशिश करूंगा अपनी जनता से। खान साहब तीसरा टर्म है ये, लगातार 2 बार से कोशिश कर रहे हैं, ये तीसरा बार है आपका, क्या कुछ लग रहा है, क्या पब्लिक क्या क्या मूवमेंट है, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या रुझान मिल रहा है, लोगों का क्या सपोर्ट मिल रहा है? देखिए जनता का अपार प्यार है मेरे साथ, और उस प्यार में एक जनता नहीं अनेक जनता, सबसे पहली मेरी बात यह है कि मैं कभी भी एक समुदाय की बात मैं नहीं करता, काम मुझे जमात का करना है, जात का काम नहीं करना, हम जात के लिए प्रधान नहीं मुखिया नहीं बन रहे हैं, हम जमात के लिए बन रहे हैं, मेरे हर जमात का उत्थान हो, हर जमात हमारी आगे बढ़े, हर जमात की मजबूरी को हम समझ पाएँ, उसको उससे दूर करें, ये मेरी प्राथमिकता। खान साहब एक आम संदेश पूरे अपने पंचायत नौरंगिया माधोपुर की जनता को क्या देना चाहेंगे? मैं अपने नौरंगिया माधोपुर की प्यारी प्यारी जो जनता मेरी है, सबसे पहले मेरा संदेश है कि लोभ लालच से बचना पड़ेगा, एक दिन के लाभ से 5 साल को बेचना नहीं है, ये मेरा संदेश है अपनी जनता से, हमारे साथ 5 साल का लाभ मिलने वाला, और कुछ लोग हैं जो पैसा धन दौलत इसको लगाकर चाहते हैं कि प्रधानी जीत लें, इससे मैं जनता को गुजारिश करूंगा, आह्वान करूंगा, अपील करूंगा कि मेरी जनता इस लोभ लालच में न फंसे और मुझे मदद करे, मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि इससे पहले किसी मुखिया ने न दिखाया होगा और न जनता ने मेरे देखा होगा, मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा। शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा, रोज़गार मिलेगा, ये वादा है इमरान खान उर्फ चांदी खान का, जो मुखिया प्रत्याशी है इस पंचायत से, देखना होगा कि जनता क्या कुछ कर पा रही है और ये जनता के लिए क्या कुछ करेंगे। कैमरामैन दिनेश के साथ सुमिला चंपाड़ी, एसटीवी न्यूज़।